इनकी आवाज में घबराहट थी साथियों मन में।
बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा चिंता नहीं करें, अभी है कहां? बोला मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं। जब मुझे ये कहा गया तो मैंने कहा जयपुर कब पहुंचेंगे? तो बोला जयपुर मैं 2-3 घंटे बाद पहुंचूंगा, आप आ सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल। मैं जयपुर गया और जब आपके सारे विचारों को सुना साथियों, सारे विचारों को सुनने के पश्चात में मेरे मरने की जगह की सन्यासी का मतलब यही होता है कि वो समाज की, राष्ट्र की सेवा करे, सभी जातियों से उपलब्ध करके मानवतावाद की बात करे। और उसका परिणाम ये हुआ कि आपने मुझे सारे अपने दुख दर्द जो कि मानवता के बिना की समानता का अधिकार चाहते थे, उसके लिए साथियों हमने संकल्पित हुए। मेरे भीतर का राम जगा और उस राम को जगने के पश्चात मैंने संकल्प किया कि मुझे इस राजस्थान के वासियों के लिए कुछ करना है, राजस्थान की जनता के लिए मुझे कुछ करना है। ऐसा सोच करके साथियों में निकल पड़ा और हमने जन स्वाभिमान मंच का गठन किया। ये स्वाभिमान मंच का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सर उठा करके छाती चौड़ी करके गर्व से जी सके, स्वाभिमान के साथ में, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी हमारे भाई हैं और हम मानवता की विशाल कायम करना चाहते हैं साथियों। और इसका परिणाम यह हुआ कि जन स्वाभिमान मंच गठित किया गया। स्वाभिमान का मतलब यही है जहां समर्पण है, जहां त्याग है, जहां अर्पण है, जहां अपने आप में जीने का हुनर है। साथियों हम चाहते हैं कि प्रत्येक मानव जाति का सम्मान होना चाहिए और उसी को संकल्पित करते हुए इस जन स्वाभिमान मंच के इस कार्यक्रम को जगह जगह प्रारंभ किया गया। फिर एक विचार उठा कि हमारी बात को सुनेगा कौन? चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में साथियों ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आप लोग हमारी ताकत है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के साथ से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे साथियों। और यही हुआ, मैं चल पड़ा। हमारे साथ विभिन्न क्षत्रिय समाज के संगठन भी साथ में आए, मेघवाल समाज के संगठन भी हमारे साथ में आए, बावली समाज के संगठन भी हमारे साथ में आए, अनेक अनेक जातियों के संगठन ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगा कि सन्यासी होने के नाते मेरे मन में भाव आया कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं इस राजस्थान को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। राजस्थान जातिवाद की भक्ति में जल रहा है साथियों, ये मेरे मन का धर्म है। राजस्थान जल रहा है, राजस्थान जल रहा है पुण्य लोगों के कारण से, राजस्थान जल रहा है नारी का अपमान, नारी को निरस्त करके भुनाया जाता है साथियों। ये कैसा राजस्थान है? ये अपनाइत की बात होनी चाहिए या भाईचारा होना चाहिए? हम चाहते हैं कि एक ज्यादा पर 36 करोड़ के लोग बैठ करके हम राजस्थान के इतिहास लिखने की बात करेंगे साथियों। आज वो समय नहीं है, आज वो समय नहीं है पार्लियामेंट के सामने जाने के पश्चात में आज भी समाज में छुआछूत चल रहा है साथियों, ये मेरे मन का दर्द है। और आज वो समय नहीं है कि राम सताना राम सती जिन्होंने हमेशा छुआछूत भेदभाव से हमें ये धर्म के नाम पर संदेश दिया, पर अब राम सती आने वाले नहीं है। हमें संदेश देने वाले शिक्षा जगत के महान पुजारी जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, जो भी बापू ने उन्होंने हमें कहा था कर्म की ताकत को मजबूत कर रहा साथियों, पर अब ज्योति बापू में भी आने वाले नहीं है। ऐसे समय में महाराणा प्रताप जिन्होंने हमें त्याग के लिए सिखाया, जिन्होंने हमें यह सिखाया कि हम अपना के लिए जाना जाता है, पर जब किसी भी गरीब व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो हम स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए उस दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं साथियों, पर अब महाराणा प्रताप भी आने वाले नहीं है साथियों। कोई आने वाला नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि अब हमें करना क्या है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते थे हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार जिस प्रकार से आज भी वर्तमान समय में हो रहा है, मुझे दुख इस बात का होता है कि ये भारत अखंडता के लिए जाना जाता है, ये भारत मानवता के लिए जाना जाता है साथियों। मेरा आप लोगों से निवेदन होगा जाति पूरी नहीं होगी साथियों, हम 36 करोड़ के लोग, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमको कहां पर पैदा होना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने भगवान को चिट्ठी भेजी थी क्या कि मुझे ब्राह्मण घर पैदा कर दो, मुझे मेघवाल घर पैदा कर दो? नहीं भेजी, ये भगवान ने हमें यहां पर भेजा है साथियों। पर याद रखना जाति पूरी नहीं है, पर जातिवाद होना बुरा है साथियों। इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कुल एक है, मिट्टी एक है, शरीर एक है, हम लोग दिखने के इंसान है साथियों, हम लोग मानव हैं और मानव होने के बाद हम जातिवाद
हमारा सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के पुजारी हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबके कल्याण की बात करेंगे, सब लोग सुखी रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। पर आज वर्तमान का समय जातिवाद के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हैं साथियों, ये जातिवाद ऐसा जहर का शाप है जो हम सब लोगों को डसता जा रहा है। तो पापा चार नहीं हो, अब बहुत हो गया, अब जाति के नाम पर झगड़े बहुत हो गए, धर्म के नाम पर झगड़े बहुत हो गए, अब नहीं होने चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह से साथियों ये व्यवस्था को बदलना होगा, कुछ जातिवादी जो नेता है जो जाति के नाम जीतते 36 कौम के सहयोग से है और पर जाकर के 35 कौम की बात करते हैं साथियों, इसका मुझे दर्द है, मेरे मन में पीड़ा है। इस पीड़ा को क्या आप मेरी पीड़ा का समाधान करेंगे साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथियों, ऐसे जातिवादी जो नेता है जिन्होंने हमारे राजस्थान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज स्थिति यह हो चुकी है कि हमारी राजस्थान की बेटी, राजस्थान की बहन, चाहे ज्योति मिर्जा हो, चाहे दिव्या मदेरा हो, वो साथियों कोई वो यहाँ की बेटी भी है, यहाँ की बहू भी है साथियों। ऐसी स्थिति पर ऐसे जो न्यूसेंस जो लोग हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों से मेरा खुला चैलेंज है कि अब तुम्हारे धर्म में नहीं चलने दूंगा, अब तुम्हारे लोगों की नहीं चलने दूंगा। अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग तेरे सीने में से ही, मेरे सीने में से आग लगनी चाहिए साथियों। ये आज 29 तारीख राजस्थान के इतिहास में, प्रदेश के भारत के इतिहास में लिखी जाएगी साथियों। ये आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ आकर के हमें आशीर्वाद देने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था को खत्म करो साथियों। अब मेरा तो गला भर चुका है, मैंने जिस तरीके से साथियों मैंने जब देखा कि जिस तरह के गालावास जो प्रकरण हुआ उसमें भवन मेघवंशी की किताब को मैंने जब पढ़ा, उस किताब के पन्ने भी यहां पर आपको मिलेंगे, आप जरा सा देखना उस दलित नरसंहार के पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का हाथ था जो चाहते थे कि हम अपने गुंडराज के कारण से, हम भय के कारण से इस राजस्थान में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है साथियों, ये राजस्थान सभी धर्मों का है, सभी महापुरुषों का है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रह करके मानवता का संदेश देते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये मानव धर्म हमारा, हमें मानव धर्म स्थापित करना होगा मेरे भाई। ऐसे समय में मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के आज दलितों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, इसलिए जन स्वाभिमान मंच के 3 मेन उद्देश्य है। पहला यह उद्देश्य है कि न्याय मिले, दूसरा यह उद्देश्य है कि सेवा हो, तीसरा यह उद्देश्य हो सुरक्षा होनी चाहिए साथियों, ये हम चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि महाराज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, योगी का नाम भी ले लिया, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है कि आपको बुला करके हम उस गंदगी में जाना चाहते हैं जिस प्रकार मेघराज सिरोज साहब ने कहा आपको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने बचपन से अपना घर छोड़ा है साथियों, 4 साल की उम्र से हमने घर छोड़ा है, 30 साल संन्यास जीवन के हो गए। जो लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं सनातन खतरे में नहीं है, मानवता खतरे में है साथियों, मानवता इंसान खतरे में है, इंसान को बचाने की आवश्यकता है साथियों, इंसान को बचाइएगा। सनातन के धर्म के अवलंब के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि 4 पट्टी की लीली पहनकर लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, पर मैंने 7 मीटर का कपड़ा पहना है, ये मेरे भगवतधारी महात्मा लोग, ये मेरे अपने लोग हैं, आप मेरा अपना परिवार तो है ही, पर सबसे निकट मेरा परिवार तो ये है मेरे भाइयों, इनके आशीर्वाद से हम लोग आज आपके बीच में बोल रहे हैं, इन्हीं से सब कुछ हमने सीखा है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा अब कोई खतरे में नहीं है, ना तो भारत खतरे में है, खतरे में यदि है तो राजस्थान है साथियों, इस राजस्थान को बचाना होगा, इस मिट्टी को बचाना होगा, इस महाराणा प्रताप की पवित्र भूमि, अलग अलग महापुरुषों के धर्मों के गुरुओं की भूमि को बचाना होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि समय रहते हुए हम सभी को चाहिए कि हम मानवतावाद की बात करें। जातिवाद को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंकना होगा साथियों। जिस तरह से आपने सुना कि राणा सर का कांड हुआ, राणा शिष्य दुखी हुआ, इसके मन में पीड़ा लगी, दर्द जगा, तो मैंने कहा चिंता नहीं करो, गुरु वही होता है जो शिष्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे साथियों। और आज हम इस जन स्वाभिमान मनुष्य के लिए आपका उद्देश्य इतना ही है, आपका इतना ही है कि प्रत्येक मानव जाति के लिए जिसको जो हक मिलना चाहिए उसके हक हकूक की लड़ाई के लिए समता महाराज आपको त्याग करना पड़ेगा, मठ को छोड़ना पड़ेगा। मैं सच बताता हूँ साथियों, आज 1.5 महीने हो गए, मेरा वेट भी कम हो गया। मैं कभी 4 बजे आता था, कभी 3 बजे आता था, ये मुझे 2 बजे पूछते कहाँ पहुंचे। मैंने कहा अभी तो गाड़ी में, अरे समय पर पहुंच जाओ, सो जाओ, बीमार हो जाओगे। ये शिष्य का दर्द होता है कि अपने गुरु का ध्यान रखा जाए साथियों। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, हम लोगों ने ये नौटंकी करने के लिए नहीं, हम लोगों ने आप लोगों का दर्द, हमारा दर्द समझ करके राणा सर जब मैं पहुंचा और वहां का जब दर्द देखा, 6 दिन तक राजू मेघवाल की हत्या कर दी गई, 22 लोग एक जाति के अपराधी थे, एक जाति के साथियों। अरे विचार करो, दुख दर्द सबका होता है, लड़ाई सबकी होती है, पर हत्या भी इस तरीके से की गई कि 22 लोगों ने मिलकर के कुचल कुचल करके सड़क पर लिटा करके मार दिया। स्थिति तो यह हो गई कि लाश उठाने के लिए साथियों लाश नहीं मिली, चमड़े का लोथा मिला, चमड़े का लोथा। इस जब दृश्य को मैंने देखा तो मैं रो पड़ा। मेरे साथ मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया, और याद रखें संत हृदय नवदीप समाना, संत का हृदय मक्खन से अधिक कोमल होता है। और लोग हमें आशीर्वाद देने का काम करें, और जब वोट दिया जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कहां वोट देना है, मैं तो इशारा करूंगा खाली, हम लोग प्रेस नोट जारी करेंगे। राजस्थान में सत्ता को जो मलाई मारने वाले लोग हैं, अब उनकी नींद उड़ चुकी है, हमको फोन करके कहते हैं महाराज इस कार्यक्रम को आगे खिसका लो, पीछे कर लो। मैंने कहा कि देखो ये जनता है, प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं हमारे सहयोग भी किया, पर पहले शुरुआत में हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि थोड़ा सा उन्होंने एग्रेसिव हुए। मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि समय रहते हुए हम सब लोगों को कहीं ना कहीं हमें इस पद्धति को बदलने का प्रयास करें साथियों। और वो समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर के इस राजस्थान की व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। यदि भारत के इतिहास की बात करें, आजादी के बाद में साथियों कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के दौर बदले हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बदली हैं। धन्यवाद महाराज। और अब मैं माइक निवेदन करना चाहूंगा सैयद गुलाम कृपया जी से, जो कि गद्दी नशी है, ख्वाजा साहब गरीब नवाज दरगाह से, एक बार जोरदार इस्तकबाल उनका करेंगे, जोरदार ताली बजाकर कृपया जी का स्वागत करेंगे, सम्मान। आप चाहे तो बैठे बैठे आप बोलना चाहे तो कोर्ट लेस करा रहे, लेकिन माइक पे बता सकते आपकी सहूलियत के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौम अद्दीन। हमारा मालिक खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, सारी कायनात उसने पैदा किया, चांद सूरज जमीन आसमान जिन्नो बशर इंसान जानवर जो कुछ दुनिया में है, सब कुछ का मालिक खालिक अल्लाह तबारक व तआला है। हम खुदा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, मकसद हमारा अपने मालिक को याद करके आना है। उस मालिक का ही जो कुछ मालिक का, उस मालिक ने हमको यहाँ पैदा किया, वो सबसे बड़ी चीज है, हमको तमाम आलम के अंदर इंसान बनाया। और वो तार मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ इंसान से, आए जमीन वालों, आए जमीन वालों, तुम मेरे बंदों से मोहब्बत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। अल्लाह फरमाता है बंदे से मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना। इंसान को जो पैदा किया गया वो मोहब्बत के लिए पैदा किया गया, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हमदर्दी के लिए पैदा किया गया। अल्लाह फरमाता है मैंने तुझको पैदा कर तो देख, 12 साल तक राणा सांगा की प्रतिमा के लिए अकेले संघर्ष करने वाले बांदीकुई से हमारे योद्धा और हमारे जन स्वाभिमान मंच के कर्मठ कार्यकर्ता शक्ति सिंह जी बांदीकुई के लिए एक बार जोरदार से तालियां, जिन्होंने राणा सांगा की प्रतिमा बनाने के लिए 12 साल तक अकेले ही मेवाड़ के अंदर संघर्ष करके अपने
जो अपना उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करने के बाद ही उसको छोड़ा है। और वो तो बताएंगे धन स्वामी महामंच के लिए आदरणीय शक्ति सिंह जी। कुलदेवी माँ जम्बाई जी के चरणों में शीश रखकर इस अजमेर जैसी खूबसूरत नगरी के संस्थापक अंजार धनी अजमेर अधिष्ठाता रघुकुल तिलक चौहान मुकुटमणि चक्रवर्ती महाराजा श्री अजयपाल देव जी चौहान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए आदरणीय मंच पर विराजमान मेधा संपन्न राज ऋषि संताराम जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर विराजमान तमाम संतों महंतों विभिन्न विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं आप सभी को भी दंडवत प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ सुदूर राजस्थान घर से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, मेरी माँ के समान यहाँ मौजूद तमाम मातृशक्ति और इस राजस्थान के लिए तन मन धन अर्पित कर देने वाले अपनी जीजान अर्पित कर देने वाले मेरे युवा साथियों आप सब प्रणाम करते हैं, उन्हें भी नमस्कार करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन पहली बार छुट्टी की जिन्होंने घोषणा की और वीपी सिंह को भी नहीं बोलना चाहिए, जिन्होंने संसद के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई, जिन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया, ये संविधान की रक्षा का काम ये तो हमारे पूर्वज करते आए हैं। और ये डेमोक्रेटिक जमाना है, ये लोकतांत्रिक जमाना है, इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए चूंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व आज से 26वें दिन है लोकतंत्र का सराहना चाहता हूँ। अपने तमाम स्टेज पर कर तशरीफ रखते हुए तमाम धर्म गुरुओं को के सामने इस शेर को पेश करता हूँ। यूं तो आदमी हजार वनों में फिरते हैं मारे मारे, यूं तो आदमी हजार वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका खादिम बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा, मैं उसका खादिम बनूंगा जिसे बंदों खुदा के बंदों से प्यार होगा। हिंदुस्तान जिंदा। और अब दिल जान के बैठिए, हमारे बीच में इस पूरे जन स्वामी मान मंच के सूत्रधार प्रणयधार जानदार संताराम जी महाराज को बुलाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा और मेरे कहने के नाम लेने के बाद मेरा दावा है कि आप अपने हाथों के ताले नहीं रोक पाएंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो अपनी ताली रोकना जिस नाम के बाद मैं बुला रहा हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय वेगराज सिंह जी साहब को कि वे आए और अपना आप
आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है। इस टाइम जो राजस्थान का प्रदर्शन चल रहा है उसके अंदर 36 कौम के लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया, बोली वाली जनता को बेवकूफ बना दिया और नेताओं को थक के एक आरक्षण लिया गया था। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी आ जाएगी, इतनी हावी हो जाएगी, इतना एडवांस हो जाएगी कि आपके बच्चे 80% बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं तो गूगल उठा लेना, देख लेना, ये सत्यता है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी ना देश दल पे आया हूं, न कोई माइक पे आया हूं, न किसी बोल पे आया हूं। ये आज में आवश्यकता है और आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरी होती है। आपने पढ़े हो सब देखा होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ जब यहूदियों का यहूदी जिनका बीज खत्म कर दिया था, करोड़ लोगों को चेपों में डाल के मार दिया। पहले ईसाइयों ने मारा, फिर नाजियों ने मारा, ये सच्चाई है। जब वो बच्चे एक छोटा सा एरिया था 50 किलोमीटर का इसराइल, उन्होंने बैठ के संगोष्ठी की जैसे आज हम बैठे हैं, आज की राजनीति पार्टी की भाई क्या किया जाए, तो उन्होंने बैठ के डिसीजन लिया। कभी सबसे पहले रोटी की आवश्यकता है कि वह डेजर्ट एरिया था, न पानी था न कुछ और था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर का निजात किया। आज वर्ल्ड में नंबर वन है इसराइल। उसके बाद बोला गया हम तो चारों तरफ कई देशों से घिरे हुए हैं, तो हथियार चाहिए, हथियार के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए उन्होंने आज वो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी उनके हाथ में है। और उसके बाद में हथियार ले लिए, अब जो भी आदमी उसके साथ उड़ता है उसे वो डरते नहीं, उनका वेपन हो गया, वो साधन संबंध हो गया। आज आप लोगों को किस चीज की आवश्यकता, आप देखो मैं बीजेपी में कांग्रेस में आप बता क्या लेना क्या दे रहे कुछ, तो पहुंचे मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
साथियों, ये व्यवस्था बदलने का दौर है और इस व्यवस्था के परिवर्तन दौर में हम सभी को आप लोगों का साथ चाहिए। मैं ढाणी ढाणी गांव का और शहर से खुद गया और आप लोगों तक बीच पहुंच करके जन्म देने का जो मैंने कार्य किया है, मुझे पता था कि जो मेरे मन में पीड़ा है वो आपके मन में भी होगी। मुझे पता था कि जो मेरे मन में दर्द है 36 को लेकर के वो आपके मन में दर्द होगा साथियों। और इस दर्द का अंजाम देने के लिए, इस दर्द में दर्द मिलाने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आज ये समय आ गया है, हमें इस व्यवस्था को बदलाव की आवश्यकता है और ऐसे बदलाव के दौर में जब भी कभी बदलाव हुए हैं साथियों, महलों से नहीं, बंगलों से नहीं, ढाणी गांव चौपाल ढाणियों से निकल करके ये जो आवाम, जो जनता है, वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों ने बदलाव की मशाल को हाथ में लिया है साथियों। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि ले मशाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेतरी, कब तक लुटते रहेंगे मेरे गांव के। बिन लड़ाई कुछ भी यहां मिलता नहीं है जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। साथियों, आपकी जो लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हम सब लोगों का सहयोग का साथ चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ में मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूं कि ये जन स्वाभिमान मंच की शुरुआत कैसे हुई। आदरणीय मेघना सिंह जी रोल से साहब, जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने मानवता के लिए, इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया साथियों, और सेवा के लिए समर्पित भाव से जाने जाते हैं, यही हुआ कि उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया। इनके मन में दर्द तथा पीड़ा थी और मुझे बोले, महाराज मुझे आपका साथ चाहिए। सुबह 7 बजे फोन आया। मैंने कहा, ये उद्योगपति व्यक्ति अब सुबह 7 बजे फोन करने का हुआ क्या? इनकी आवाज में घबराहट थी साथियों, मन में दर्द था। बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा, चिंता नहीं करें, अभी है क्या? बोला, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर हूं। जब मुझे ये कहा गया तो मैंने कहा, जयपुर कब पहुंचेंगे? तो बोला, जयपुर में 2-3 घंटे बाद पहुंचूंगा, आप आ सकते हैं क्या? मैंने कहा, बिल्कुल। मैं जयपुर गया और जब आपके सारे विचारों को सुना साथियों, सारे विचारों को सुनने के पश्चात में मेरे मरने की जगह की सन्यासी का मतलब यही होता है कि वो समाज की, राष्ट्र की सेवा करे, सभी जातियों से ऊपर उठ करके मानवतावाद की बात करे। और उसका परिणाम यह हुआ कि आपने मुझे सारे अपने दुख दर्द, जो कि मानवता के बिना की समानता का अधिकार चाहते थे, उसके लिए साथियों हमने संकल्पित हुए। मेरे भीतर का राम जगा और उस राम को जगने के पश्चात मैंने संकल्प किया कि मुझे इस राजस्थान के वासियों के लिए कुछ करना है, राजस्थान की जनता के लिए मुझे कुछ करना है। ऐसा सोच करके साथियों मैं निकल पड़ा और हमने जन स्वाभिमान मंच का गठन किया। ये स्वाभिमान मंच का मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति सर उठा करके, छाती चौड़ी करके गर्व से जी सके, स्वाभिमान के साथ में, चाहे वो दलित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी हमारे भाई हैं और हम मानवता की मिसाल कायम करना चाहते हैं साथियों। और इसका परिणाम यह हुआ कि जन स्वाभिमान मंच गठित किया गया। स्वाभिमान का मतलब यही है, जहां समर्पण है, जहां प्यार है, जहां अर्पण है, जहां अपना अपने जीने का हुनर है साथियों। हम चाहते हैं कि प्रत्येक मानव जाति का सम्मान होना चाहिए और उसी को संकल्पित करते हुए इस जन स्वाभिमान मंच के इस कार्यक्रम को जगह जगह प्रारंभ किया गया। फिर एक विचार उठा कि हमारी बात को सुनेगा कौन? चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में साथियों ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में आप लोग हमारी ताकत है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के साथ से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे साथियों। और यही हुआ, मैं चल पड़ा। हमारे साथ विभिन्न क्षत्रिय समाज के संगठन भी साथ में आए, मेघवाल समाज के संगठन भी हमारे साथ में आए, बावली समाज के संगठन भी हमारे साथ में आए, अनेक अनेक जातियों के संगठन ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया। तो मुझे लगा कि सन्यासी होने के नाते मेरे मन में भाव आया कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं इस राजस्थान को बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। राजस्थान जातिवाद की भक्ति में जब
बात करेंगे साथियों। आज वो समय नहीं है, आज वो समय नहीं है तब ट्रम्पेट के साथ जाने के पश्चात में आज भी समाज अछुआ छूत चल रहा है साथियों, ये मेरे मन का दर्द है। और आज वो समय नहीं है कि राम सपाला राम सती जिन्होंने हमें अछुआ छूत भेदभाव से हमें ये धर्म के नाम का संदेश दिया, पर अब राम सती आने वाले नहीं है। हमें संदेश देने वाले शिक्षा जगत के महान पुजारी जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई ज्योति बापू ने, उन्होंने हमें कहा था कर्म की ताकत को मजबूत कर रहा साथियों, पर अब ज्योति बापू में भी आने वाले नहीं है। ऐसे समय में महाराणा प्रताप जिन्होंने हमें त्याग के लिए सिखाया, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हम अन्याय के लिए जाने जाते हैं, पर जब किसी भी गरीब व्यक्ति पर अत्याचार होता है तो हम स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए उस दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम करते हैं साथियों, पर अब महाराणा प्रताप भी आने वाले नहीं है साथियों, कोई आने वाला नहीं होगा। हम लोगों ने तय किया है कि अब हमें करना क्या है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते थे हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार जिस प्रकार से आज भी वर्तमान समय में हो रहा है, मुझे दुख इस बात का होता है कि ये भारत अखंडता के लिए जाना जाता है, ये भारत मानवता के लिए जाना जाता है साथियों। मेरा आप लोगों से निवेदन होगा जाति पूरी नहीं होगी साथियों, हम 36 करोड़ के लोग, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमको कहां पर करना होना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने भगवान को चिट्ठी भेजी थी क्या कि मुझे ब्राह्मण घर पैदा कर दो, मुझे मेघवाल घर पैदा कर दो, नहीं भेजी। ये भगवान ने हमें यहां पर भेजा है साथियों, पर याद रखना जाति पूरी नहीं है, पर जातिवाद होना पूरा है साथियों। इस जाति सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के पुजारी हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबके कल्याण की बात करेंगे, सब लोग सुखी रहे ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। पर आज वर्तमान का समय जातिवाद के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हैं साथियों, ये जातिवाद ऐसा जहर का शाप है जो हम सब लोगों को डसता जा रहा है।